हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड गाइस। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। यस गाइस, टुडे विल सी चैप्टर नंबर 7, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर्स, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी चैप्टर के साथ में हम लोग ले रहे हैं एंट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके पहले हम लोगों ने आने वाले सारे के सारे सिक्स चैप्टर्स जो भी थे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, उनको कवर कर लिया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। और यही से हम लोग एंट्री ले रहे हैं किस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए, चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये चैप्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग अजम्पशन है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं जमता ये चैप्टर में, तो बहुत ज़्यादा रट्टा मारना है मेरे से, तो इतना रट्टा मार के नहीं होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमते रहती है और जिसके वजह से ना ये चीज़ें आपको आपको ऐसा लगता है कि अब मैं चैप्टर को पढ़ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि माइंड में जो रॉन्ग अजम्पशन चल रहे हैं ना, क्या करें इसके लिए। तो बस आपको इतना दिमाग में फिट कर लेना है, ये चैप्टर दिखने में तो बड़ा खतरनाक वाला, एकदम खतरनाक वाला हार्ड लग रहा है, लेकिन सच में बता रही हूँ ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है, खतरनाक वाला इजी है चैप्टर, ठीक है। और मार्क्स भी अच्छे खासे हैं इसीलिए। और सेकंड थिंग ये भी है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में पढ़ा था, जो भी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस थे, वो कमेंट्स में स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि मैम प्लीज़ चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करो, प्लीज़ ये वाला चैप्टर बहुत टफ है, ये वाले चैप्टर को एक बार स्टार्ट कर दो। तो यस गाइस, मैं आप लोगों के वो कमेंट्स को देखकर ही ये वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ, 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी मेंटालिटी ये है, वो 16 में से ये वाला चैप्टर छोड़ के जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यार करके जाओ, इतना इजी चैप्टर तो एक वरदान ही है आप लोगों के लिए। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्स को, चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। चैप्टर नंबर 7, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं आज के क्लास में स्टार्ट। चलिए, अब सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, और मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये सब पढ़ने का है। तो देखो, आपको याद बस यहाँ पे एक ही चीज़ रखना है, वो चीज़ ये है कि चैप्टर का ही नाम है ग्रुप 16, 17 एंड 18। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस चैप्टर के अंदर में वो सारी चीज़ें पढ़नी है, वो सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है जो ग्रुप 16, 17 और 18 में आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ूंगा, क्योंकि 11th में आप लोगों ने दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रहे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी 11th में था और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 और 15 भी आपको 11th में था। अब उसी के कंटिन्यूशन में क्या कर रहे हैं, 16, 17, 18 इधर डाल दिया 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो होती बहुत ज़्यादा काम की होती है। एक सेकेंड थिंग ये है कि इस चैप्टर को अगर आप लोग छोड़ते हो तो आपका 12th का तो लॉस होगा ही होगा। साइड बाय साइड आपको NDA में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साइड बाय साइड ये चैप्टर जैसे कि बेसिक्स है, तो आपको JEE के भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और NEET के भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, और MHT CET तो अपना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना, अगर छोड़ा ना तो एक नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे आपका लॉस हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करना है, करने का है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, अब क्या होता है ना, अगर मैं बात करती हूँ ना गाइस, ग्रुप 16 की, ग्रुप 16 की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप 17 की बात करेंगे और ग्रुप 18 की बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि चैप्टर का नाम भी वही है, तो हमको वही स्टडी करना है। ग्रुप 16 में क्या क्या आता है पता है आपको, ओ स से टे पो, ज़रा ध्यान से देखना क्या आता है, ओ स से टे पो। चलिए, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इसको याद रखने का तरीका देखो कैसा है, ओ स से टे पो, ओ स से टे पो, इसको याद रखने का तरीका ऐसा रहेगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलुरियम टेलुरियम पोलोनियम, ओ स से टे पो। अब आ जाएंगे ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 में आपके आते फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद रखूँगी देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टराइन, ठीक है। ग्रुप 18 में आपके कौन से आते हैं, ग्रुप 18 में आते हैं आपके
नीना, अरीना का कलर जेरोक्स रंगीन, हीना, इसके पहले एक्चुअली हेलियम भी आता है इसलिए हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, हीना नीना अरीना कलर जेरोक्स रंगीन, हीना नीना अरीना कलर जेरोक्स रंगीन, हेलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन सिनॉन रेडॉन। वो देखो ग्रुप 16 में कौन से आएंगे, ओ स से टेपो। ग्रुप 17 में कौन से आएंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 में क्या आएगा, हे ने आर कर जेर। और एक तरीका कैसा है उसको पढ़ने का, हिन्ना नीना अरिना कलर जेरोक्स रंगीन। चलिए अब आधे लोग बोलेंगे ये क्यों बता रहे हमको, ये तो हमको भी पता है, आगे का बताओ। तो चलिए देखते हैं आगे का, याद क्या है ना, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा मोटो है इसलिए मैंने इसको लिखा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम लोग चालकोजंस बोलते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे मैम हमको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाओ ना, ये हमको ये क्या बता रहे कि इसका नाम क्या है। लेकिन सुनो ना, अगर आपको ये नाम आ जाए कि एक्सप्लेन द एटॉमिक साइज इन केस ऑफ चालकोजंस, तब सारे के सारे फंस जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि चालकोजन का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं बता रही हूँ पता रखना है कि ग्रुप 16 मतलब ही क्या होता है। चालकोजंस, चालकोजंस का मतलब ही होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत सारे मेटल्स के ओर्स के फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालकोजंस। तो चालकोजंस का मतलब ही क्या होता है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चलिए गाइस अब मैं आती हूँ ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 जो होता है ना, इनका नाम होता है हैलोजेंस। क्या नाम होता है, हैलोजेंस। और हैलोजेंस जो होता है ना उसी का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। चलिए तो मैंने क्या क्या बताया, ग्रुप 16 ओ स से टेपो क्या होता है, चालकोजेंस ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ग्रुप 17 में क्या बताया, फिर कल बाहर आई आंटी। और क्या बताया, हैलोजेंस सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चलिए अब आएंगे हम लोग ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 को देखो कितने सारे नाम है। ग्रुप 18 का पहला नाम है भाई आपका इनर्ट गैसेस। क्या नाम होता है, इनर्ट गैसेस। इसी को कहा जाता है आपका नोबल गैसेस भी। क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। इसी को हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे नाम पता होने चाहिए। अगर आपको ये नाम नहीं पता तो देखो इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है। अगर मैं आपको कहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी पूछती हूँ, एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, तो सारे के सारे अटक जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबको आएगा बट आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्या चीज़ है। अगर मैंने आपको पूछा एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इन व्हाट, इन चालकोजेंस, सारे के सारे फंस जाएंगे। चालकोजेंस क्या है मुझे तो पता ही नहीं, इसलिए आपको पता रखना है। समझा या नहीं, ओ ससे टेपो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका चालकोजेंस। फिर कल बाहर आई आंटी क्या रहेगा, हैलोजेंस। हीना नीना अरीना कलर जेरोक्स रंगीन क्या रहेगा, वो रहेगा आपका जीरो ग्रुप। नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, गैस के फॉर्म में है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों ने इस चैप्टर में जब एंट्री ली तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि एलिमेंट्स के और नेम कौन से हो सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनको याद रखने का ट्रिक क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी के कंटिन्यूशन में गाइज अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, उनके नेम्स क्या क्या है और उनका फॉर्मूला क्या क्या है, मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आधे लोग क्या करते हैं, आधे लोग सोचते हैं ये कौन याद रखेगा इतना बड़ा सारा, स्किप करो इसको, चलो आगे बढ़ते। लेकिन सुनो ना, एग्जामिनर पता है क्या करता है, एंट्रेंसेस में देखा होगा ना ये सारे कंपाउंड्स भी पूछे जाते हैं। आपको नाम दिया जाता है कि बताओ जिप्सम है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ इप्सम सॉल्ट है, बताओ कैनालाइट है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा। इसलिए हम लोग स्किप नहीं कर सकते, अपने आप को स्मार्ट समझ के, ऐसा नहीं कि फटाफट स्किप करते चल रहे, आगे बढ़ते चल रहे। जितना ज़्यादा आप स्किप करते जाते हो उतना ही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस कम करने की पॉसिबिलिटी बढ़ते जाती है, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आप अप्रोच ही नहीं कर पाते हो, इसलिए सब कुछ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले तो देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को, उनके सारे के सारे कंपाउंड्स को, उनके वेरियस फॉर्मूलेस को। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इसको करके जाना, अदरवाइज एंट्रेंस में फंसोगे, आना चाहिए ये।
चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए सबसे पहला कंपाउंड जो है ना आपका, वो होता है ये वाला कंपाउंड। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपकी बात कर रही हूँ जिप्सम की। अगर आपको कहीं पे भी आ जाए जिप्सम, और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, केमिकल फार्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जो भी भाई जिप्सम होता है ना, जिप्सम का आपका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O। अब आधे लोग क्या करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिप्सम मतलब CaSO4 होता है, बट उनको ये पता ही नहीं होता है। पता है आपको पेपर में चार टाइप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा CaSO4, सेकेंड ऑप्शन रहेगा CaSO4 ट्वाइस H2O, थर्ड ऑप्शन रहेगा CaSO4 7H2O, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा CaSO4 10H2O। आधे लोग तो वैसे ही फंस जाते क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा वाला रहेगा सही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान देना है, जहाँ पे 2H2 है वहाँ पे 2 ही, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन हैं डायरेक्ट टिक मार्क करने से आंसर मिल जाता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते, रिएक्शंस नहीं करनी पड़ती, रिएजेंट अप्लाई नहीं करना पड़ता, सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम चल जाता है। इसलिए याद रखने का, ठीक है। चलो सेकेंड है गाइज अपना इप्सम सॉल्ट। क्या है इप्सम सॉल्ट? जो भी इप्सम सॉल्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देखना। MgSO4 7H2O, ये मैग्नीशियम का सल्फेट वाला सॉल्ट है, और पानी कितने हैं 7। इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन। याद रखना, अगर आपको पता नहीं होगा तो कहीं पे लिख लो, ये कोई बुक में दिया नहीं जाता। इसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद में लगाइज हम लोग ले लेंगे आपका इप्सम सॉल्ट के बाद और कौन से सॉल्ट आ रहे हैं। चलो बेराइट लेते हैं। बेराइट जो होता है, बेराइट का फॉर्मूला आपका होता है BaSO4। बेराइट के बाद में हम लोग लेंगे गैलिना। गैलिना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS। PbA मतलब क्या होता है, लिड, ठीक है। गैलिना के बाद में हम लोग ले लेते हैं आपका लेटस से जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को ले रहे हैं। जिंक ब्लेंड का आपका फॉर्मूला होता है ZnS, ठीक है। जिंक ब्लेंड के बाद में हम लोग ले लेते हैं कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट ले लेते हैं हम लोग। कॉपर पाइराइट का आपका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं होती है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग याद नहीं करते तो उसमें लॉस हमारा ही है। आज नहीं तो कल लॉस होगा ही होगा, आना चाहिए ये। हम लोग ये पार्ट को स्किप करके जाते हैं ना, बट क्वेश्चन सही से आते हैं, सीरियसली स्पीकिंग। फिर देखेंगे हम लोग फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला होता है AlF3। एक सेकेंड CaF2 होता है, CaF2। फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, CaF2। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6, ठीक है। कुछ चीज़ें रहेंगी, मुझे नेम्स अगर आप लोग बता देते तो मैं केमिकल फार्मूला लिख सकती हूँ। तो आपको एटलीस्ट नेम्स भी पता होना चाहिए और केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका आता है फ्लोरो अपाटाइट। उससे पहले मैं लूँगी कैरनालाइट को हम लोग लेंगे। कैरनालाइट KCl MgCl2 6H2, ठीक है। ये होता है आपका कैरनालाइट। और लास्ट में हम लोग लेंगे फ्लोरोअपाटाइट CA3PO4 2 times CF2। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि बहुत बड़ा सारा है, लेकिन देखो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं गाइज। जो भी आपका जिप्सम सॉल्ट है ना, जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O। कैल्शियम के सल्फेट वाले को ही जिप्सम सॉल्ट बोला जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक सो NDA के एग्जाम में आया है, ठीक है। उसके बाद में है आपका इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम के सल्फेट को इप्सम सॉल्ट कहा जाता है। लेकिन पानी कितने होते हैं, 7 होते हैं। पानी भी याद रखना है, फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। खुद ही सोचो, एंट्रेंस वाले आपको क्या फ्री में मार्क्स दे देंगे इतने से क्वेश्चन के लिए? वो आपको वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी पूछेंगे, वो भी आना चाहिए। फिर आधे लोग बोलेंगे इतना कौन याद करेगा, लेकिन भाई मार्क्स के लिए सब कुछ करना पड़ता है, दिमाग का पूरा यूज़ करना पड़ता है अगर मार्क्स चाहिए तो। फिर आता है बेराइट। बेराइट मतलब ही बेरियम है, इसलिए वहाँ पे सल्फेट भी किसका है, बेरियम का। गैलिना मतलब ही क्या होता है, लेड का सल्फाइड। जिंक ब्लेंड,
याद रखना है कि जो ब्लेंड होता है ना, ब्लेंड, इस ब्लेंड का मतलब क्या होता है गाइस? ब्लेंड का मतलब आपका सल्फर होता है, और यहाँ पे लिख रखा है जिंक, इसलिए कौन आया? जिंक। और ब्लेंड मतलब क्या होता है? सल्फर। फिर आएगा कॉपर पाइरेट, ठीक है। पाइरेट मतलब पता है क्या होता है? पाइरेट मतलब होता है FeS2। FeS2 का मतलब आपका पाइरेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बोल रखा है कॉपर, इसलिए क्या लिखा मैंने? कॉपर और FeS2। पाइरेट मतलब FeS2 और यह है कॉपर, तो कॉपर के जगह पे कॉपर लिखा, पाइरेट के जगह पे FeS2 लिखा, ठीक है। फिर आ जाएंगे फ्लोर स्पार, उसमें क्या आएगा? CF2। फिर है गाइस आपका क्रायोलाइट, Na3AlF6 मतलब क्रायोलाइट होता है। कैरनलाइट जो होता है वो एक सॉल्ट होता है जिसमें KCl, MgCl2 और 6 पानी आते हैं। जहाँ पे भी पानी आ रहे हैं वो आपको अपने दिमाग में एकदम बेस्ट तरीके से फिट कर डालने का। फ्लोरोअपाटाइट, ये जो फॉर्मूला है ना फ्लोरोअपाटाइट का, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट दिस फॉर्मूला, बट फिर भी आप लोग याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है? Ca3PO4 टू टाइम्स CF2। देन गाइस ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको एकदम बेस्ट तरीके से करके जाने हैं, अदरवाइज मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एलिमेंट्स के अलग अलग नेम्स डिस्कस किए, ठीक है। साइड बाय साइड कंपाउंड्स देखे, उनके फॉर्मूलेस देखे, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना गाइज हम लोग स्टडी करेंगे आपके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जो भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 के है और ग्रुप 18 के है, इन सब का हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? इन सब का हम लोगों को डिस्कस करना है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आधे लोग सोचेंगे मैं ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ूँ, कितने बार पढ़ा है? लेकिन सुनो ना, कितने भी बार पढ़ लो ना, बट याद तो आना चाहिए, अगर याद ही नहीं आएगा तो क्या मतलब। तो चलिए, जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आज एकदम कड़ाके के साथ समझ में आ जाएगा। उसका यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्रुप 16, 17 और 18 के एलिमेंट्स के। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गाइस सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 16 के कॉन्फ़िगरेशन को। ग्रुप 16 का हम लोग देखेंगे, उसी के बाद में गाइस हम लोग देखेंगे आपके ग्रुप 17 को, ग्रुप 17 को देखेंगे, और ग्रुप 17 के बाद में हम लोग देखेंगे अपने ग्रुप 18 को। ठीक है, इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर जगह पे मैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने वाली हूँ। चलिए, तो ग्रुप 16 जो होते हैं उसमें अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि ग्रुप 16 में कौन कौन आते हैं। ग्रुप 16 में भाई आपके आते हैं ओ स से टे पो, ओ स से टे पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुडियम, टेलुडियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 में आपके कौन से आते हैं, उनको भी तो डिस्कस करना है ना। तो चलिए देखेंगे ग्रुप 17 के। ग्रुप 17 में आपके आते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 में कौन से आते हैं? ग्रुप 18 में आपके आते हैं ने ना अरीना, कलर, जेरोक्स, रंगीन, निन्ना अरीना, कलर, जेरोक्स, रंगीन। इससे पहले यहाँ पे आपको हेलियम को भी डिस्कस करना है। अब वो आप आधे लोग सोचेंगे कि मैम ये हेलियम को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि ये हेलियम डिस्कस करना ज़रूरी है गाइस। अगर आप लोग ये हेलियम को डिस्कस नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए हमें हेलियम को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो फिर से देखो रे देखो, उस से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिन्ना निन्ना अरिन्ना, कलर, जेरोक्स, रंगीन, ठीक है।
चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप देखेंगे, आधे लोग सोचेंगे मैम ये एटॉमिक नंबर की एंट्री कहाँ से हो गई। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक ट्रिक कि हम लोगों को एटॉमिक नंबर को याद कैसे रखने का है। सुनना ज़रा ध्यान से, कहना मुझे जो है यहाँ पे वो ये है। देखो एक ट्रेंड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम भी होता है कि मैम ये पीरियोडिक टेबल तो बड़ा आसान है याद रखना, सबसे डिफ़िकल्ट काम जो है वो ये है कि मैम ये एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे। चलो देखो यहाँ पे सारे के सारे, कुछ भी नहीं करने का रे, कुछ भी नहीं। एट में जब आप सिर्फ आपको याद रखना है एट, एटीन, एटीन, थर्टी टू, एट एटीन, एटीन, थर्टी टू। जिसको ये वाली चीज़ याद हो गई ना उसका पूरा काम हो गया। देखो क्या करने का, जब आप एट में एट को ऐड करेंगे तो सिक्सटीन आ गया, सिक्सटीन में एटीन को ऐड करेंगे तो थर्टी फोर आ गया, थर्टी फोर में एटीन को ऐड करेंगे तो फिफ्टी टू आ गया, फिफ्टी टू में एटीन थर्टी टू को ऐड करेंगे तो एटी फोर आ गया। तो बस आपको क्या याद रखना है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट होता है सबको पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट होता है भाई सबको पता है। एट के बाद में क्या आता है बचपन में पढ़ा था ना, एट के बाद में क्या आता है, नाइन आता है। और नाइन के बाद में क्या आता है जल्दी बोलो, नाइन के बाद में आता है टेन। सबको आता है ये अल्फ़ाबेट्स, मुझे ये वाली चीज़ें मुझे भी आती है कि एट के बाद में नाइन आता है, नाइन के बाद में टेन आता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब आपको बस अगर ये पता चल जाए कि एट यहाँ पे आएगा तो ये नाइन और ये टेन सभी लिख सकते हैं, सबको पता है एट के बाद में नाइन आता है और नाइन के बाद में टेन आता है, मुझे भी पता है। सेकंड काम आपको यहाँ पे क्या करने का है, बाकी है ये पूरे नंबर्स कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बस आप एक ही नंबर याद रखो एट, एट के बाद में नाइन, नाइन के बाद में टेन। और क्या करोगे, देखो एट एटीन एटीन थर्टी टू कैसे याद रखेंगे, एट एटीन एटीन थर्टी टू, फिर से देखो एट एटीन एटीन थर्टी टू, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस एटीन थर्टी फोर, थर्टी फोर प्लस एटीन फिफ्टी टू, फिफ्टी टू प्लस थर्टी टू एटी फोर, आ गया ना। इससे आसान चीज़ और क्या हो सकती है। अब देखो फिर से यही वाला ट्रिक है, अपना सिस्टम चेंज नहीं होने वाला। एट एटीन, एट एटीन एटीन थर्टी टू, एट एटीन एटीन थर्टी टू, फिर से यही वाली चीज़ यहाँ पे आने वाली। देखो ज़रा एट एटीन अच्छे से लिखती हूँ जरा मैं, एट एटीन एटीन थर्टी टू, यहाँ पे भी वही होने वाला है। देखो नाइन प्लस एट सेवनटीन, सेवनटीन प्लस एटीन थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस एटीन फिफ्टी थ्री, फिफ्टी थ्री प्लस थर्टी टू आपका क्या होगा एटी फाइव। यहाँ पे आ जाओ टेन प्लस एट एटीन, एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस एटीन फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर प्लस थर्टी टू एटी सिक्स। क्या याद रखने का, एट एटीन एटीन थर्टी टू। चलो ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे चलो चलो ठीक है आगे बढ़ो। चलो देखते हैं आगे बढ़ेंगे, आगे में क्या याद रखने का है आपको, बस यहाँ पे यही याद रखने का है कि ग्रुप 16 जो होता है ना उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज़रा देखना। इधर होता है NS2NP4। आधे लोग बोलेंगे ये मुझे कैसे याद रहेगा कि इसका NS2NP4 है, ज़रा देखना यहाँ पे भाई। देखो रे देखो, ये है ग्रुप 16 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। 16 में क्या होता है, 16 में 6 होता है और 2 प्लस 4 भी कितना होता है, 6 होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे फिर से देखो, 16 में 6 होता है, 16 में क्या होता है, 6 होता है और 2 प्लस 4 में कितना होता है, 6 होता है। इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2NP4। आधे लोग बोलेंगे ये तो समझ गया बहुत इजी था, 16 में 6 होता है और 6 का मतलब ही 2 प्लस 4 होता है, लेकिन मेरे को कैसे पता रहेगा कि S में 2 ही डालना है और P में 4 ही डालना है। तो सुनो ना सुनो ना, याद ये रखना है कि S की कैपेसिटी तो हमेशा 2 ही होती है, तो S में 2 ही जाएगा तो बचा हुआ काय में जाएगा, P में जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे, ये है 17, 17 में क्या होता है, 17 में 7 होता है, 17 में 7 होता है। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे देखना ज़रा, NS2NP5। देखो रे देखो, 17 में 7 होता है, 2 प्लस 5 भी 7 होता है और S में हमेशा कितना डालते हैं, 2 डालते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे ग्रुप 18 की अगर मैं बात करती हूँ तो 18 में क्या होता है, 18 में 8 होता है और कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाला क्या होता है, NS2NP6। 18 में होता है 8 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, 2 प्लस 6 भी क्या होता है, 8 होता है। अब देखो नया ट्रिक, ये ट्रिक तो हो गया,
अब अगर आपको पता चल जाए कि 16 में NH2 NP4 है, तो ग्रुप 17 में क्या करेंगे, 4 में एक ऐड कर देंगे तो 5 बन गया। ग्रुप 18 में क्या करेंगे, 5 में एक ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा। ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करने का, आप सारे के सारे ध्यान से देखने का। यहाँ पे मैं आपके डालने वाली हूँ पीरियड नंबर। क्या डालेंगे हम लोग, पीरियड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे पीरियड का नंबर होता है 2, 3, 4, 5, 6। अब आधे लोग बोलेंगे हमको कैसे याद रहेगा, सिर्फ इधर सुनो। अगर आपको ये पता चल जाए 2, तो 2 के बाद में क्या आता है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये तो बचपन में ही पढ़ा था स्कूल डेज में, मैथ्स टीचर ने समझाया था KG 2 KG 3 में। चलो अब सारे के सारे यहाँ पे आ जाओ। ये जो n होता है ना भाई, ये n, ये आपके पीरियड का नंबर होता है। देखना ज़रा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखने का, एकदम ध्यान से। मैं आपको कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाली हूँ। चलिए देखेंगे, सबसे पहले काम आपको क्या करने का है, यहाँ पे आपको देखो क्या करने का है। यहाँ पे क्या आया, हेलियम आया। यहाँ पे आपका कौन आया, हेलियम आया। तो पहली वाली लाइन में आपको हर जगह पे हेलियम ही लिखना है। पहली वाली लाइन में हर जगह पे हम लोग किसको लिखेंगे भाई, हेलियम को लिखेंगे। आधे लोगों को ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ब्लैंकिंग भरते आ जाता है, बट पता है वो लोग फर्स्ट कहाँ पे जाते हैं, वो लोग फर्स्ट जाते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं आता कि हेलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टॉन था, पूरा दिमाग घूम जाता है। लेकिन अब अपन एकदम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले, ज़रा देखना। यहाँ पे पहले हेलियम आया ना, इसलिए हम लोगों ने हर जगह पे किसको भरा, हेलियम को। अब नियॉन आ रहा है, अब नियॉन भरेंगे हर जगह पे। हे ने ने, हर जगह पे वही वाला काम करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आया, आर्गन आया। तो अब तीनों लाइन में क्या भरेंगे, आर्गन को भर देने का। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा इजी। फिर आया क्रिप्टॉन, अब तीनों के तीनों लाइन में किसको भरेंगे, क्रिप्टॉन को भरेंगे। और फिर क्या आया, ज़ेनॉन आया, अब तीनों के तीनों लाइन में किसको भरेंगे, ज़ेनॉन को फिलअप करेंगे। मतलब कहना मुझे क्या है, जैसे हेलियम ऊपर वाली लाइन में दिखा तो हेलियम के नीचे वाले सारे के सारे लाइन में हेलियम आएगा। फिर नियॉन दिखा तो नियॉन के नीचे वाले लाइन में सारे के सारे नियॉन आएंगे। फिर आर्गन आया तो आर्गन के सारे नीचे वाले लाइन में आर्गन, क्रिप्टॉन आएगा तो क्रिप्टॉन, और ज़ेनॉन आएगा तो ज़ेनॉन के नीचे वाली सारे के सारे लाइन में क्या आएगा, ज़ेनॉन। एक और याद रखने का तरीका देखो क्या है, हिन्ना निन्ना अरिना कलर ज़ेरॉक्स, हिन्ना निन्ना अरिना कलर ज़ेरॉक्स, हिन्ना निन्ना अरिना कलर ज़ेरॉक्स। काम खत्म। चलिए आ जाएंगे यहाँ पे। आधे लोग बोलेंगे चलो चलो ये तो बहुत आसान था, अब आगे बताओ। चलिए देखते आगे क्या करने का, रे कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लो, एन के जगह पे क्या डालेंगे, एन के जगह पे डालने है आपको पीरियड नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2s2 2p4, ऐसा ही आएगा 2s2 2p4। एन के जगह पे हमको 2 पुटअप करना है। अब यहाँ पे 3 है तो क्या आएगा, 3s2 3p4। अब यहाँ पे 4 है तो एन के जगह पे क्या आएगा, 4 4s2 4p4, ऐसा ही आने वाला है भाई। 5 है, 5 के जगह पे क्या आएगा, 5s2 5p4। फिर 6 है एन का वैल्यू तो एन के जगह पे क्या रखेंगे, 6s2 6p4। मतलब कुछ भी नहीं करने का, जो भी चीज़ ऊपर में है उसी को देख के हर एक को लिखने का है। करना क्या है, एन के जगह पे पीरियड नंबर को लिखने का है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना गाइस, जो आपका थर्ड वाला ये होता है आर्गन वाला रो, मतलब ये वाला, यहाँ पे 4s के पहले 3d आता है, 3d के बाद में क्या आता है, 3d के बाद में आता है 4d, और 4d के बाद में क्या आता है, 5d, 5d से पहले 4f आता है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें अगर याद नहीं होती तो प्रॉब्लम जा सकता है। तो आपको याद देखो क्या क्या रखने का है, कि यहाँ पे 3d आता है क्योंकि 4s के पहले 3d आता है, 3d के बाद में क्या आता है, 4d आता है, 4d के बाद में क्या आता है, 5d आता है, 5d से पहले क्या आता है, 4f आता है। ये ट्रेंड हर किसी में फॉलो होने वाला है, ठीक है। चलिए आ जाओ इधर, चलिए सिमिलर सेम ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब जैसे कि गाइस अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे फ्लोरीन के लिए आपका पीरियड नंबर कौन सा है, 2nd, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2s2 2p5। हम लोग को ये वाले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हर जगह पे फॉलो करने का है, ये वाले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हर जगह पे फॉलो करने का है। पीरियड नंबर वहाँ से देखेंगे, इसके लिए पीरियड नंबर क्या है, 3, तो अब क्या आएगा, 3s2 3p4 3p5 3p5 आएगा। फिर उसके बाद में अगर आप लोग इसके केस में देखते हो तो यहाँ पर पीरियड नंबर क्या है आपका, 4, तो क्या आएगा, 4s2 4p5।
फिर पीरियड नंबर है आपका 5, तो क्या आएगा 5s2 5p5। फिर पीरियड नंबर है आपका 6, तो क्या आएगा 6s2 6p5। ठीक है, कुछ भी नहीं करने का, यही वाले ट्रेंड को देखो हर जगह पे फॉलो किया है, बस एन के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब सुनो और क्या करने का, आपको पता होना चाहिए कि 4s के पहले कौन आता है, वही वाला ट्रेंड रहेगा। 3d आता है, 3d के बाद में कौन आता है, 4d आता है, 4d के बाद में कौन आता है, 5d आता है, 5d के पहले कौन आता है, 4f आता है। 10d की कैपेसिटी कितनी होती है, 10 होती है, f की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 होती है। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको याद रहे ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, चलिए आ जाते हैं इधर में। अब आपको यहाँ लिखना है, कुछ भी नहीं करने का, दिमाग तो बिल्कुल ही लगाने का नहीं अपना, देख के करने का काम खत्म। चलिए देखो इधर, यहाँ पे NH2NP6 पीरियड नंबर कितना है, 2 है, इसलिए क्या आएगा 2S2 2P6। नियॉन के लिए, इसके लिए, नेक्स्ट वाले के लिए पीरियड नंबर कौन सा है, 3 है, इसलिए क्या आएगा 3S2 3P6। इसके लिए पीरियड नंबर क्या है, 4, क्या आएगा 4S2 4P6। नेक्स्ट वाले के लिए पीरियड नंबर क्या है, 5 है, क्या आएगा 5S2 5P6। लास्ट वाले के लिए पीरियड नंबर क्या है, 6, क्या आएगा 6S2 6P6। ये देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, यही वाली चीज़ को हर जगह पे फॉलो कर रहे हैं। अब देखो आपको क्या करने का है गाइस, आप सबको पता है कि 4s के पहले क्या आता है, 3d आता है, 3d के बाद कौन आते हैं, 4d आते हैं, 4d के बाद क्या आता है, 5d आता है, 5d से पहले क्या आता है, 4f आता है। डी की कैपेसिटी 10 होती है और एफ़ की कैपेसिटी 14 होते हैं। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, हम लोगों ने बस इनको लिख दिया। तो इस तरीके से देखो मैंने सारे के सारे कंडेंस को लिख दिया। आधे लोग बोलेंगे मैम ज़रूरी है क्या हम कंडेंस लिखें, क्या हम पूरा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते क्या, तो लिखो ना, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए 5 मिनट नहीं लगे। तो फिर देखो आप लोग इतना बड़ा कौन लिखेंगे, किसके पास टाइम है, कंसेप्ट को भी तो करने का है। इसलिए हम लोग सारे के सारे किसको फॉलो करेंगे, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। समझा या नहीं, बहुत बहुत काम का ये। आधे लोग सोचेंगे कितना सारा टाइम चले गया इतना सा पढ़ने के लिए लेकिन सुनो ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हेल्प करने वाला है, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में भी इसका इनडायरेक्ट यूज़ है, ऑर्गेनिक में भी कहीं ना कहीं ये काम में आता है, इनऑर्गेनिक में तो है ही, ये चैप्टर में भी काम में आएगा, सारे के सारे पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए भी काम में आएगा। तो ले लो इस कोर्स को स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को कि प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, देखेंगे इन सारी चीज़ों को, देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। अब क्या होता है ना, अगर मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ बढ़ा दी तो चले गई मैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या चल रहा है, मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ट देखेंगे, वो चार्ट से हम लोग को एक्चुअली क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमें डिस्कस क्या क्या करने का है, फिर हम लोग फटाफट सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमारे दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। अगर वो आइडिया दिमाग में क्लियर हो जाए ना, तो फिर हम लोग वो सारी चीज़ें फटाफट पढ़ लेते हैं जो भी है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने चार्ट को। सबसे पहला आता है भाई चार्ट में आपका प्रॉपर्टीज़ आता है। और जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वैसे तो उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 या 3 ही टाइप रहेंगे, क्योंकि मैंने 2 या 3 ही टाइप लिखे, बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन अभी हम लोग को क्या डिस्कस करना है, हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, पहली टाइप की आपकी प्रॉपर्टी जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है ना, वो है गाइस आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, वो रहेंगी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो गाइस याद रखना है कि एटॉमिक प्रॉपर्टी में आपकी टोटल 4 टाइप की प्रॉपर्टीज आएगी जो आपको डिस्कस करने का है। ठीक है, टोटल 4 प्रॉपर्टीज आएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी रहेंगी एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। क्या रहेगा गाइस आपका, रहेगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई को आप साइज भी बोल सकते हो, या तो आप रेडियस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड आपका रहेगा वो रहेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और याद रखना है गाइस कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ही हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है
आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों के तीनों नाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही नाम याद रखा तो अपना काम जम जाएगा क्या? नहीं जमेगा, तीनों के तीनों नाम पता होने चाहिए। तीसरी चीज़ होती है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और दो लास्ट चीज़ होती है ना, लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी होती है ना एटॉमिक वाली, वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनके अलग अलग हम लोग नाम होते हैं, ये आपको याद रखना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अपन IP भी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को IE भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ कहीं पे भी दिख जाए तो याद रखना है कि इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है गाइस आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को डिस्कस करना है, देखो काय में काय में हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है ग्रुप 17 में, ग्रुप 18 में, और ग्रुप 16 में, ग्रुप 17 में और ग्रुप 18 में। इन सब में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर हम लोग को अब चार्ट मिल गया, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ले लो सारे के सारे इस चार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, तो अब हम लोग इस चार्ट के बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल में, विथ देयर एक्सेप्शन। अब क्या होता है ना, हर चीज़ का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, हर चीज़ में कोई ना कोई इम्परफेक्शन तो रहता ही है। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि सारी चीज़ें परफेक्ट है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई भी कमी नहीं, हर किसी के अंदर में होती है। इन द सेम फैशन केमिस्ट्री में भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तो आपको डिस्कस करनी है गाइस, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ में भी कोई ना कोई एक्सेप्शन तो रहेगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो रहेगा, लेकिन उनको भी हमको लेके चलना है। और याद रखना, क्वेश्चंस एक्सेप्शन से ही आते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन में ही एग्जामिनर इंटरेस्ट लेता है। बाकी नॉर्मल प्रॉपर्टी तो हर किसी को आती है, जिसको एक्सेप्शन आ गया ना वो प्रॉपर्टी का बन जाता है मास्टर। और जो प्रॉपर्टी का बन गया मास्टर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे के सारे कर डालोगे, क्योंकि आपको एक्सेप्शन पता है। चलिए डिस्कस करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ को। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों को डिस्कस करना है ना, वो है आपका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। हम लोगों को गाइस डिस्कस करना है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, या रेडाई, या साइज, कुछ भी बोलो, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा बोलो। अब देखो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्रॉपर्टी को गाइस आप लोग डिस्कस करोगे ना, आपको दो चीज़ें बताना है। सबसे पहले आप हमेशा बताएंगे अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप का ही मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ये वाली चीज़ आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में अलग अलग जगह पर मैं अलग अलग लिखूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी रो, सारे के सारे कसम खाओ, सबसे पहला पॉइंट आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेकंड जो आपका रहेगा वो रहेगा अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड, पीरियड मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, याद रखने का भाई, याद रखने का, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, अलोंग द ग्रुप दैट इज टॉप टू बॉटम, और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, अलोंग द पीरियड फ्रॉम टॉप टू, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो नीचे जाते हैं ना हम लोग, जब भी हम लोग नीचे जाते हैं, जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ज़रा ध्यान देना, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं जाती हूँ ना टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का ही मतलब क्या होता है, अलोंग द ग्रुप। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपको एक ही शेल दिख रहा है, फिर आपके शेल कितने हुए, दो हुए, फिर आपके शेल कितने हुए, थ्री हुए, फिर आपके शेल कितने हुए भाई, चार शेल हुए। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, किया आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि नीचे जाने से कौन सा ट्राइंगल बनता है, नीचे जाने से आपका बनता है सीधा ट्राइंगल, याद रखने का। अगर आप लोग ऐसा याद करके जाएंगे ना कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सेल एज वी मूव फ्रॉम, तो भूल जाओ, एक महीने तक याद रहेगा फिर ये भूल जाएगा, काम ही नहीं करेगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म्स में याद रखने का है तो कैसे याद रखेंगे, देखो, नीचे जाने से कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, सीधा ट्राइंगल। तो देखो सारे के सारे मैंने सीधे ट्राइंगल को ड्रॉ किया। अब जब ट्राइंगल का साइज़ कैसा होता है ज़रा देखना,
साइज कैसा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ट्रायंगल का ऐसे ही तो होता है, नीचे जाने से साइज क्या क्या होते जाता है, नीचे जाने से साइज बढ़ते जाता है। इसलिए याद रखने का कुछ भी नहीं करने का, सीधा ट्रायंगल को बिंदास ड्रॉ कर देने का, ठीक है। ऑब्जर्व क्या हुआ, अपने आप ट्रायंगल बढ़ गया? नहीं रे बाबा, देखो नीचे जाने से क्या हुआ, नीचे जाने से आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका शेल है ना उसका एडिशन हो रहा है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल। आप क्या करते जा रहे हो, आप शेल को ऐड करते जा रहे हो, शेल का एडिशन होते जा रहा है, इसलिए नीचे जाने से आपका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आप लोगों ने और क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम लोग जाते हैं ना लेफ़्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसे केस में आपका ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसे केस में आपका ट्राइंगल कैसा होता है, आड़ा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा ट्राइंगल। और लेफ़्ट टू राइट वाले ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आड़ा ट्राइंगल, आड़ा ट्राइंगल। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ़्ट टू राइट जाने से भी कुछ ना कुछ हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब भी मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, ऊपर से नीचे आ रही हूँ, मतलब मैं अलॉन्ग द ग्रुप जा रही हूँ, सीधा ट्राइंगल बन रहा है। मतलब ये सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला जो भी आपका एटॉमिक साइज़ है ना, या जो भी आपका एटॉमिक साइज़ है या आयोनिक साइज़ है या आयोनिक रेडियस है, ठीक है, आयोनिक रेडियस के लिए भी यही वाली चीज़ ऑब्जर्व होगी, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। आधे लोग सोचेंगे ये क्या है, याद रखने का सीधा एरो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, देखो ऐसा नहीं चलेगा बोलने से कि नीचे जाने से साइज़ बढ़ता है क्योंकि सीधा ट्राइंगल बनता है। सीधा ट्राइंगल तो अपने दिमाग के लिए ट्रिक है, बताने के लिए थोड़ी है वो किसी को। आपको सिर्फ इतना बताना है कि नीचे जाने से साइज बढ़ता है, बट याद रखना रीज़न बताना पड़ेगा। रीज़न ये है कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ना वैसे वैसे आपके शेल का या सब शेल का क्या होते जा रहा है, आपके शेल का एडिशन होते जा रहा है, जिसके वजह से आपका साइज बढ़ते जा रहा है। फिर आप लोगों ने अलॉन्ग द पीरियड बताने का है। अलॉन्ग द पीरियड में देखो आप क्या बताएंगे, अलॉन्ग द पीरियड में आपने ये बताया कि जो भी आपका एटॉमिक साइज होता है ना, मतलब जो भी आपका एटॉमिक रेडियस होता है ना वो नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ऊपर वाले एरो का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। नीचे वाले एरो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। इसका रीज़न देखो क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से आ गया। ज़रा देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे आप लोग गाइज लेफ़्ट टू राइट जाते हो, वैसे वैसे जो भी आपका न्यूक्लियस का चार्ज है ना, न्यूक्लियस का चार्ज वो इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होगा मतलब ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आपका एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। सबको समझ गया, नीचे जाने से फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है, सीधा ट्रायंगल होता है। क्यों होता है, क्योंकि शेल का एडिशन होते जाता है। देखो दिख रहा है, मैंने प्रैक्टिकली आपको शो किया एडिशन ऑफ शेल। जब भी मैं जाती हूँ लेफ्ट टू राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अलोंग द पीरियड, ट्राइंगल कैसा होता है, ट्राइंगल होता है आपका आड़ा ट्राइंगल, आड़ा ट्राइंगल होता है। एटोमिक साइज क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। क्यों होते जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे, मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो फिर IE, या तो फिर IP। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेकेंड थिंग डिस्कस कर रहे हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। या तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
जिसे को हम लोग बोलते हैं आईपी और आईई। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इस थिंग को। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, ध्यान देना ज़रा, एकदम ध्यान देने का, एकदम ध्यान से देखो। सॉरी के सॉरी, क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, सबसे पहली चीज़ हम लोगों का बस अपनी कहानी को याद रखने का, अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप। ये कहानी कभी चेंज मत करना अपनी वाली, ऐसा नहीं कि मैम बुक में तो ऐसा नहीं दिया, अलग सेंटेंस दिया है, तो अब मैं क्या अलग तरीके से लर्न करूँ क्या? अरे भाई कितने तरीके से लर्न करोगे, दिमाग छोटा सा ही तो है, 10 टाइप्स तो लर्न नहीं कर सकते, कॉमन टाइप मेक करो ताकि दिमाग को भी ईजी हो समझने में, दिमाग तो एक ही है ना। ठीक है, तो एक रहेगा आपका अलोंग द पीरियड, जिसको अलोंग द ग्रुप रहेगा। अलोंग द ग्रुप मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। सेकंड कहानी क्या डिस्कस की थी हम लोगों ने, सेकंड कहानी क्या रहती है, सेकंड कहानी रहती है भाई आपकी अलोंग द पीरियड, जिसी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। चलिए आ जाओ सारे के सारे यहाँ पर। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया ज़रा ध्यान देना, आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखने का है कि जो भी आपकी एटॉमिक साइज होती है ना, एटॉमिक साइज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, या तो फिर आप, हाँ मतलब मेरे ख्याल से आपको यही याद रखना चाहिए, ये ज़्यादा सही है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, जैसा आपको सही लगता है वैसे करो। अगर आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये चीज़ तो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलो आ जाओ सारे के सारे, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि जब भी आप लोग टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाने से क्या हुआ भाई, टॉप टू बॉटम जाने से जो भी आपका एटॉमिक साइज था ना, या जो भी आपका एटॉमिक रेडाई था, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई, वो क्या हो रहा था, वो आपका इंक्रीज हो रहा था। देखो ज़रा नीचे जाने से सीधा ट्राइंगल ऑक्टेन हो रहा था, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जो भी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज को। अगर नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना, डिक्रीज होगा ना, होगा या नहीं होगा, होगा रे बाबा होगा। बस क्या ऑब्जर्व करने का, कुछ भी नहीं देखने का, इतना ही देखने का, नीचे जाने से सीधा ट्राइंगल बनता है, नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे आ जाओ, क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि जब भी आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, लेफ्ट टू राइट, ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपकी एटॉमिक साइज रहती है ना, एटॉमिक साइज, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडाई बोलते हैं, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। उसी के वजह से क्या होगा, जो भी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करने का, ज़रा देखो लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होते गई, कम होते गई, डिक्रीज होते गई। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसी चीज़ को। लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ, टॉप टू बॉटम आने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ। ठीक है, चलो ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइज, अब हम लोग क्या करने वाले ना, कुछ एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर प्रॉपर्टी कुछ लेके आती है, प्रॉपर्टी कुछ कहानी लेके आती है, तो साइड बाय साइड दो तीन अपने एक्सेप्शन, अपने ड्रॉबैक्स को भी लेके आती है, लेकिन हम लोगों को तो वो भी पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या पता ड्रॉबैक्स से ही क्वेश्चन आ जाए। चलिए तो डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा ध्यान देने का, ज़्यादा ध्यान, देखते हैं। चलिए देखना यहाँ पे ज़रा क्या देखा आप लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले रहेगा आपका, सबसे पहले रहेगा आपका क्या, ग्रुप 15 का एलिमेंट, फिर रहेगा ग्रुप 16 और फिर रहेगा ग्रुप 17। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, 15, 16 और 17। 15 में क्या होता है, 15 में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं ना, वो रहते हैं आपके कौन से, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, क्या रहते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। फिर ग्रुप 16 में आपके कौन से एलिमेंट आते हैं, ओ, स, से,
टे पो। ग्रुप 17 में कौन से आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं भाई आपके फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। अब आधे लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये आई होगी कि मैम आप सबसे पहले तो हमको ये वाली चीज़ बताओ कि आपने ग्रुप 15 को क्यों लिखा, क्योंकि ग्रुप 15 का तो चैप्टर में नाम ही नहीं है, फिर आपने ग्रुप 15 को क्यों लिखा, ज़रा हमको समझाओ, ये वाली चीज़ दिमाग में आई ना। लेकिन सुनो, ये पढ़ना ज़रूरी है भाई, भले चैप्टर का पार्ट नहीं, बट अगर ये नहीं पढ़ा ना पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पता होना चाहिए। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्या होगा, 15 में क्या होता है, 15 में 5 होता है, 16 में क्या होता है, 6, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस 17 में क्या होता है, 7। चलो यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे, 15 में 5 है, कैसे लिखेंगे, NS2NP3, क्योंकि 15 में होता है 5, 2 प्लस 3 भी क्या होता है, 5 होता है। चलिए आ जाओ सारे के सारे, 16 में होता है 6, कैसे क्या लिखेंगे, NS2NP4, 2 प्लस 4 भी कितना होता है, 6, एस में हमेशा 2 ही डालने का। फिर आ जाएंगे 17, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि 17 में होता है 7, इसी को कैसे लिखेंगे, NS2NP5, 2 प्लस 5 भी कितना होता है, 7 होता है। अब सारे के सारे यहाँ पे आ जाओ, एक्सेप्शन जो है ना भाई, एक्सेप्शन उसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेप्शन आपका ये कहता है कि जो भी आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 16 का होता है और ग्रुप 17 का होता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, ये सबको पता है। लेकिन क्या होता है ना भाई, ये वाला ट्रेंड आपको ऑब्जर्व नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक्सेप्शन ये आते कि जो भी आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना ग्रुप 15 का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16। देखो होना कैसे चाहिए था, लेफ़्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होना चाहिए था, बट वैसा ट्रेंड कभी कभी कुछ केसेस में ऑब्जर्व नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि ग्रुप 15 का जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है भाई एक्सेप्शन है, पहले ये तो बताओ ये एक्सेप्शन आया कैसे, किसने लाया ये एक्सेप्शन, ऐसा कौन सा रूल है। चलिए डिस्कस करते हैं उस रूल को। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे देखो क्या याद रखने की है, चलिए मैं एकदम अच्छे से आपको बता रही हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 का ज़्यादा क्यों है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से। ग्रुप 15 की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रुप 15 का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP3 होता है। ग्रुप 16 का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP4। मतलब आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप 15 का आपका कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, ग्रुप 16 का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP4। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, अगर आप लोग ध्यान देते हो तो सपोज़ ये है आपका S, P, D और F। आप सबको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वैकेंट में सारे के सारे इसमें ज़ीरो होता है, कम्प्लीटली फिल में ऐसी कैपेसिटी 2 होती है, फिर ये 6 होती है, ये 10 होती है, ये 14 होती है। कैसे याद रखने का ज़रा देखो, एस को अगर मिरर इमेज में देखते तो आपको 2 जैसा ही दिखता है वो, यस और नो? एस खुद बताता है कि मैं 2 जैसा दिखता हूँ मिरर के अंदर में, मेरे अंदर की कैपेसिटी कितनी रहेंगी, 2। 2 प्लस 4 कितना होता है, 6। 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। कितना आसान था। तो एस में सबको 2 दिखना चाहिए, जैसे मेरे को दिखता है इसके अंदर में 2, आपको भी दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो आज से दिखेगा मेरे क्लास के बाद में। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। ये तो हो गया आपका वैकेंट। ये क्या हुआ भाई, ये आपका एम्प्टी हुआ, ये हुआ आपका कम्प्लीटली फिल्ड। क्या हुआ भाई, कम्प्लीटली फिल्ड। और जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाले का नाम रहेगा आपका हाफ फिल्ड, मतलब आधा। तो 2 का आधा कितना होता है, 1। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। कर लोगे सारे के सारे, बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, आप लोग बोलेंगे ये टेबल हमको क्यों बता रहे, बट याद रखो ये होता है स्टेबिलिटी का रूल, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। क्या नाम होता है इसका, और रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। मतलब अगर इनमें से आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ज़रा देखना है, यहाँ पे तो एस में 2 है, यहाँ पे भी एस में 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी है, पी में कितना आया, 3 आया। 3 कैसा है, हाफ फील्ड है।
और ये वाले सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल। क्यों रहते हैं स्टेबल? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी, इसमें के सारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। पी में 3 आया, ये हाफ फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पी में 3 आया भाई, ये हाफ फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आ जाओ इधर, यहाँ पे तो पी में 4 है। देखो पी में किसी के भी सामने आपको 4 नंबर दिख रहा है, पी के लाइन में देखना, ऐसा नहीं कि डी या एफ के लाइन में देख लूँगी, एस के लाइन में देख लूँगी। यहाँ पी है ना, पी के लाइन में चेक करो कौन से स्टेबल है। 0, 6, 3, 4 नंबर आया क्या? नहीं, तो ये उतना स्टेबल नहीं है, नॉट दैट मच स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं है। अब एक चीज़ बताना मुझे, जो चीज़ स्टेबल है उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, या जो चीज़ अनस्टेबल है उसको तोड़ने में ज़्यादा लगती है? आप लोग मुझे बताना। एक मैंने आपके सामने झोपड़ी रखी है, और एक मैंने आपके सामने मल्टी स्टोरेज बड़ी सारी एकदम मोटी सारी बिल्डिंग रखी है, सबसे ज़्यादा तोड़ने में एनर्जी किसको लगेगी? स्टेबल वाले मोटी सी बिल्डिंग को या झोपड़ी को? सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगी स्टेबल वाली मोटी सी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो कैसी है? स्टेबल। मतलब कहना मुझे ये कि स्टेबल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको लगती है ना, वो कैसी लगती है? ज़्यादा लगती है। ये तो बेचारा अनस्टेबल है, उतना स्टेबल ही नहीं है, झोपड़ी जैसा है, इसको एनर्जी कैसी लगेगी? इसको एनर्जी आपको कम लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। ये तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? एक ऐसी एनर्जी जो तोड़ने के लिए लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो एटम को आयोनाइज करने के लिए लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। पता कैसे चलेगा? देखो रे, देखो ग्रुप ऑफ 15 का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। 3 कैसा होता है? हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड देखो, पी में 3 आया, स्टेबल है, स्टेबल है। स्टेबल को तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी लगती है? ज़्यादा। यहाँ पे क्या देखा? ये बेचारा अनस्टेबल है, एनर्जी कम लगेगी। अब आ जाओ सारे के सारे पेज नंबर 140 पर, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 7.1 को डिस्कस कर रहे हैं। आपको बोल रखा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15। इसका आंसर क्या? मुझे प्रॉब्लम नंबर 7.1 जो कि पेज नंबर 140 पे दे रखा है इस चैप्टर के अंदर में, उसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। उसका एक्सप्लेनेशन आपको यही वाला एक्सप्लेनेशन लिखना है। आधे लोग बोलेंगे इतने से एक्सेप्शन के लिए इतना सारा क्यों पढ़ा है, क्योंकि यहाँ से भाई बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं। समझाया नहीं, क्या बताने का? यही वाली चीज़ बताने का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने का, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी भी बताना पड़ेगा, फिर बताने का ये 3 आया, पी में 3 स्टेबल होता है, स्टेबल को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, ये तो बेचारा अनस्टेबल है, झोपड़ी जैसा है, इजीली टूट जाएगा, कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप ऑफ 15 की कैसी होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन? चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। लाइक और शेयर तो बनता ही है इतने हार्ड वाले चैप्टर को इतना ईजी बनाने के लिए। ठीक है, keep on watching my videos. Thank you very much. Please do subscribe and keep watching.